हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल द बेस्ट आइडिया फॉर इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों आपको पता होगा कि भारत के आज के समय पर 30% लोग पैसा अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिए ताकि आगे जाके वो पैसा बहुत ज़्यादा ग्रो कर सके। जिस जगह पे आप बैंक में पैसे इन्वेस्ट करके 5-6% पैसा इंटरेस्ट ले रहे हैं, वही एक छोटा सा इन्वेस्टर बन के कोई आपका दोस्त 15-18% तक इंटरेस्ट बना रहा है। दोस्तों अगर मार्केट के सबसे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड कंपनी की बात करें दोस्तों, तो SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड या ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड जो दोस्तों मार्केट का टॉप म्यूचुअल फंड है, और जिन जिन कंपनी ने आज तक अपने कस्टमर को बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दिए हैं, जो 15%, 18% और 20% से ऊपर ही बना है। आज मैं जिस म्यूचुअल फंड के बारे में दोस्तों को बताने वाला हूं, उसका लास्ट 3 साल का जो रिटर्न बना है दोस्तों 25%, लास्ट 5 साल का 13% और लास्ट 1 साल में दोस्तों ये म्यूचुअल फंड 24% का रिटर्न बनेगा अपने कस्टमर को दिए हैं, और ऑल ओवर जो रिटर्न बने के इसने दिए हैं जो है वो दोस्तों 15% का रिटर्न, जो एक बैंक के कोई भी इन्वेस्टमेंट से बहुत ही ज़्यादा रिटर्न है। दोस्तों आप चाहे तो चेक कर लेना। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड में आप सबसे कम यानी 500 रुपये से अपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। दोस्तों इस फंड का जो फंड साइज है 36,000 करोड़ रुपया है। दोस्तों रेटिंग 4 स्टार। दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग रख के इन्वेस्टमेंट करो, नहीं तो मत करो। इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है दोस्तों 0.89%, जो इस फंड के तुलना में बहुत ही कम है। अगर दोस्तों हम देखते हैं फंड मैनेजर, दोस्तों एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर होता है फंड मैनेजर के। म्यूचुअल फंड में वही पूरा पैसा को मैनेज करके हर कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, जो हाईली एजुकेटेड होना चाहिए और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान होना चाहिए। इस फंड का जो फंड मैनेजर है 11 साल और 7 साल का दोस्तों दो में फंड मैनेजर एक्सपीरियंस है दोस्तों, कहाँ कहाँ ये कंपनी हमारे पैसे को इन्वेस्ट करता है। तो दोस्तों अगर देखते हैं कि HDFC, ICICI बैंक, इंफोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फिनांस, महिंद्र एंड महिंद्रा कंपनी, ब्रिटानिया कंपनी, आईचर मोटर, भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक, दोस्तों ये जो म्यूचुअल फंड है हमारे पैसे को इन सब ब्रांड इंडिया के टॉप टॉप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और बढ़िया रिटर्न बना के देते हैं। दोस्तों अगर दोस्तों हम इन्वेस्टमेंट जर्नी की बात करते हैं दोस्तों, आपके लिए नहीं सही लेकिन आपका जो नेक्स्ट जनरेशन आपके बच्चों के लिए, आपको इन्वेस्टमेंट दोस्तों ज़रूर करना चाहिए ताकि एक बढ़िया सा कॉर्पस बने, आप इन लोगों को दे सके फ्यूचर सिक्योर के लिए। अगर दोस्तों हम बात करते हैं कि ग्रो ऐप या एंजल वन या 5paisa, ये सब सबसे आसान म्यूचुअल फंड या फिर डीमेट अकाउंट वाला कंपनी, तो आप इसमें आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना पैसे को ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों ये जो म्यूचुअल फंड है इसका नाम है SBI ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है दोस्तों और वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड दोस्तों ये है SBI का। तो दोस्तों अब इस म्यूचुअल फंड को देखते हो तो इसमें लो रिस्क और हाई रिटर्न का दोस्तों ये म्यूचुअल फंड है। अगर दोस्तों हम देखते हैं कैलकुलेटर में, हर महीने 500 रुपये जमा करते हो अगले 15 साल के लिए, ठीक है, 14% रिटर्न के साथ आपका जमा हुआ राशि होगा दोस्तों 90,000 और आपने जो इंटरेस्ट कमाया दोस्तों 1,93,000, तो टोटल दोस्तों आप अर्निंग हो गया 2,83,000 रुपया। वही देखते हैं अगर हम अब 1,000 रुपये जमा करते हो 15 साल के लिए, रिटर्न 14% वही है, तो आपका जमा हुआ राशि होगा दोस्तों 1,80,000 और आपका जो कुल राशि बनेगा 5,66,000 रुपये। दोस्तों अगर आप इसको 5 साल के लिए एक्सटेंशन करते हो तो दोस्तों आपका जमा हुआ राशि हो जाएगा 2,40,000 जो आपने जमा किए, और जो मेच्योरिटी अमाउंट होगा दोस्तों 11,75,000। दोस्तों ये होता है कंपाउंडिंग का पावर, जो जितना लॉन्ग टर्म आप म्यूचुअल फंड को खींचोगे ले जाओगे तो दोस्तों ये वही आपको जाके एक बढ़िया सा अमाउंट बना के देगा। दोस्तों अगर दोस्तों हम देखते हैं 2,000 रुपये आप इन्वेस्ट करते हो अगले 20 साल के लिए, ठीक है, और आपने जो डिपोजिट की अमाउंट 4,80,000, तो आपको दोस्तों मेच्योरिटी अमाउंट बनेगा 23,50,000 रुपया दोस्तों, ठीक है, और आपने इसको अगर 5 साल एक्सटेंशन कर दी तो मेच्योरिटी अमाउंट दोस्तों का 46,95,000। दोस्तों रिटर्न ऊपर भी होता है नीचे भी हो सकता है क्योंकि ये मार्केट से कनेक्टेड है, लेकिन लॉन्ग टर्म का फंड क्या होता है दोस्तों वो एवरेज हो जाता है, 20-25% रिटर्न आपको मिल जाता है दोस्तों एवरेज में। अगर आप 1 साल के अंदर म्यूचुअल फंड को बंद कर दे दो किसी कारण से तो दोस्तों आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप वही म्यूचुअल फंड के 1 साल के बाद कभी भी बंद करते हो या रिडीम करते हो तो आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा, वो भी रिटर्न के ऊपर ना कि प्रिंसिपल के ऊपर, ठीक है। दोस्तों आप पैसा सेविंग्स कहाँ करते हो, FD, RD, NPS, PPF या सुकन्या में, जहाँ पे 5-6 और 7% इंटरेस्ट मिल जाता है जो गवर्नमेंट का स्कीम है, लेकिन कोई आपका ही दोस्त होगा जो म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में 15-20 और 25% का पैसा कमा देता है दोस्तों इंटरेस्ट, ठीक है। अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कीम में 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो दोस्तों मत करो, 4,000 रुपये उसमें इन्वेस्ट करो, 1,000 रुपये आप म्यूचुअल फंड में करो, आगे जाकर दोस्तों 15-20 साल में आपका गवर्नमेंट स्कीम से ज़्यादा म्यूचुअल फंड आपको बढ़िया से अमाउंट बना के देगा। दोस्तों अगर ये जानकारी दोस्तों आपको अच्छा लगता ना तो इस यूट्यूब चैनल को एक PR सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल वाला घंटा को पक्का हिट कर दीजिएगा दोस्तों।